हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से भारत के नंबर वन न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, किसी भी बैंक का ATM अगर आपके पास है तो RBI की तरफ से एक नया नियम आ रहा है, जो की एक बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। बताऊंगा मैं आपको पूरी बड़ी खबर। वहीं मोदी सरकार की तरफ से 5 ऐसे बड़े फैसले लिए जो आम आदमी को जानना जरूरी है, वो भी जानेंगे। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। वैज्ञानिकों की तरफ से एक भयंकर चेतावनी भी निकल कर आ रही है, क्या है? तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चेता हूँ पहली खबर में। देखिए, ATM में पैसे न हो तो बैंकों को अब जुर्माना भरना पड़ेगा। RBI का नया निर्देश जारी कर दिया गया। जी हाँ, ATM में अब अगर आप दोस्तों पैसे निकालने के लिए जाओगे और अगर उस ATM में नो कैश यानी कि कैश अवेलेबल नहीं है तो बैंक पर फाइन लगेगा। वो ATM जिस भी बैंक का है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 1 अक्टूबर से ही RBI का इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है। ATM में 10 घंटे से ज्यादा समय तक केस नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब अब ये समस्या नहीं आएगी कि बहुत बार ऐसा होता ना कि हम ATM में पैसे निकालने के लिए जाते हैं और ATM में पैसे होते ही नहीं है, वापस आना पड़ता है गोता खा के, है ना। तो अब ये समस्या नहीं आएगी, मतलब कि जब भी आपको ATM खुला हुआ दिखेगा तो कंफर्म है वहां पर आपको केस मिल जाएगा। 1 अक्टूबर से इस तरह का रूल्स लागू होने जा रहा। वहीं देखिए, RBI की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना गारंटी मिलेगा 20 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, ग्रुप हैं जो लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो इस तरह के ग्रुप को अब 10 लाख रुपए तक का लोन बैंकों की ओर से बिना किसी गारंटी के मिल जाएगा। ये भी RBI ने फैसला लिया, अच्छी बात है ना। वहीं देखिए, पोस्ट ऑफिस ने ट्रांजेक्शन से जुड़ा ये नियम बदल दिया। दरअसल दोस्तों, भारतीय डाक ने पोस्ट ऑफिस के अंदर जिन लोगों का खाता है उन सभी खाताधारकों के लिए एक अच्छा फैसला लिया। इतने दिन पोस्ट ऑफिस में ये नियम था दोस्तों कि एक दिन की मैक्सिमम लिमिट जो है पैसे निकालने की वो 5,000 रूपए ही थी, उसको बढ़ाकर अब 20,000 रूपए कर दिया। यानी कि अब ग्रामीण डाक सेवा ब्रांच में भी अब खाताधारक एक दिन में अधिकतम 20,000 रूपए तक निकाल सकते हैं। पहले मैक्स लिमिट 5,000 थी तो उसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया। ओके, और अगली खबर देखिए, सरकार का एक बड़ा फैसला है। गिफ्ट और कैशबैक वाउचर को माना जाएगा सामान और इस पर 18% GST लगेगा। जी हाँ, उपभोक्ताओं या आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए गिफ्ट वाउचर, कैशबैक वाउचर, इनको अब वस्तु या सामान माना जाएगा और इन पर पूरा 18% की दर से GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने व्यवस्था लागू कर दी है। तो अब मतलब ये कूपन कोड वगैरह और गिफ्ट वाउचर आते हैं, कैशबैक वगैरह, इन पर आपको GST पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ ही खबर देखिए, OBC आरक्षण पर सरकार और विपक्ष दोनों साथ साथ चल रही है। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास हो चुका है। आपको बताओ, कल ही लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया और आखिरकार अब ये पास हो चुका है। यानी कि लोकसभा से OBC आरक्षण बिल पारित हो चुका है और अब इस बिल का जो मकसद है वो ये दोस्तों कि राज्य सरकारें भी अब जातियों की सूची तय कर पाएगी कि कौन सी जाति को OBC में लेना है, कौन सी को बाहर करना है। ये फैसला अब राज्य सरकारों के हाथ में भी होगा। इतने दिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही था ये, तो अब मतलब पूरा संविधान में इस तरह का संशोधन किया गया और इस बिल को लोकसभा से तो पास कर दिया गया, अब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा। आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, ये जो संविधान संशोधन होगा ना, ये 127वां संविधान संशोधन होगा। करंट अफेयर्स के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। इसमें 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 और इसको लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। ओके, अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, यूथ टोबैको सर्वे कराया गया और उसमें ये बात का पता चला कि 13 से 15 साल की उम्र के 42% छात्रों ने नशा छोड़ दिया, लेकिन 29% छात्र आज भी पैसिव स्मोकिंग के शिकार है। हमारे देश भारत में मतलब टीनएजर्स के जो बच्चे बच्ची हैं उनमें नशे की लत में 42% तक की गिरावट आई है। ये आंकड़ा कल ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जारी किया और ये एक बेहद राहत की बात भी है कि आजकल के युवा जागरूक बन रहे हैं और इन गंदी आदतों से दूर हो रहे हैं। हालांकि अभी भी 29% ऐसे पैसिव स्मोकिंग के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उनके घर या आसपास कोई स्मोकिंग करता है वो ये धुआं झेलने को मजबूर है। तो बच्चे बच्चों के आसपास बड़े लोग भी प्लीज स्मोकिंग ना करें, क्योंकि बच्चे बच्चे इन चीजों को देखते हैं तो उनके दिमाग पर गलत असर पड़ता है, ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखें। अच्छा अगली खबर देखिए, CBSE क्लास 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी हो चुकी है। कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा की तारीखें अनाउंस कर दी गई है, यानी कि CBSE का टाइम टेबल कक्षा 10वीं 12वीं का आ चुका है। 25 अगस्त से ये एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा एजुकेशन की जब बात हो रही है तो कुछ और अपडेट मैं आपको बता दूं फटाफट से। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को अब रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो 11वीं में एडमिशन के लिए लिया जाता है वो रद्द कर दिया और ये लाखों छात्रों के लिए राहत की बात है। वहीं MP बोर्ड को एक विशेष परीक्षा में छूट मिलने जा रही, देख पा रहे होंगे। एग्जाम फॉर्म भरने वाले
दसवीं बारहवीं के कैंडिडेट्स 11 से 15 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन रद्द करा सकते हैं। 1 से 25 सितंबर तक परीक्षा होगी, लेकिन उनको ये ऑप्शन दिया गया, विशेष छूट मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए, सरकार का यह कहना कि बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों से छोटे दुकानदारों और उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं होने देंगे। यानी ये जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन मार्केट कंपनियां हैं ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बाजार, तो इन कंपनियों से लोकल ऑफलाइन मार्केट के दुकानदारों को, व्यापारियों को किसी भी तरह का नुकसान सरकार नहीं होने देगी। इस तरह के फैसले समय समय पर लेती रहेगी, ये कहना गवर्नमेंट का है ना। अच्छा, वहीं देखिए, पेट्रोल डीजल रेट को लेकर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच मतभेद चल रहा है, और इस पर आखिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा है, आइए मैं आपको बताता हूं। जी हां, दरअसल राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखित जवाब में कहा कि आरबीआई ने जून में ही फ्यूल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के टैक्स पर नियंत्रण का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत की मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने को लेकर किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और अभी आजकल तो आपको पता होगा, मीडिया में काफी खबरें भी चल रही है कि क्रूड ऑयल भी काफी सस्ता हो रहा है। तो उम्मीद है अब सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी और इससे हमें पेट्रोल डीजल सस्ता देखने को मिले, क्योंकि ये जरूरी भी है आम आदमी की जिंदगी में महंगाई को कम करने के लिए, राइट। तो देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। फिलहाल देखिए, अपन अगली खबर पर नजर डालें तो देखिए, तालिबान की बदमाशियों का माहौल बढ़ रहा है। भारत देश ने अपने नागरिकों से अफगानिस्तान छोड़ने को कहा है। मजार ए शरीफ को विशेष फ्लाइट रवाना होने जा रही है। दरअसल बात कुछ यूं है कि दोस्तों, अफगानिस्तान में ये एक आतंकी संगठन जो है, ये कब्जा कर रहा है इसके अधिकतर शहरों पर, और इसलिए भारत सरकार ने जो हमारे भारतीय लोग अफगानिस्तान रह रहे ना, उनको जल्द से जल्द भारत आने की सलाह भी दी है, और इसके लिए सरकार ने एक विशेष फ्लाइट भी चलाई है। तो अभी देखिए, मतलब अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा ये माहौल जो है बिगड़ रहा है दोस्तों। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है, अब मोबाइल ऐप से बुक कराएं रेलवे स्टेशनों पर व्हील चेयर, इन स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा। जी हां, भारतीय रेलवे की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई दोस्तों, खास करके जो दिव्यांग लोग वगैरह हैं उनके लिए। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हील चेयर बुक कराना चाहते हैं ना, तो अब आप इंडियन रेलवे के ऐप से ही करा पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कोई बुजुर्ग विकलांग वगैरह जा रहे हो, और अगर उनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, तो ट्रेन में साथ में अगर आप नहीं लगे हैं तो रेलवे स्टेशन पर उतरते ही आपको ये सुविधा मिल जाएगी इंडियन रेलवे की तरफ से, लेकिन आपको पहले मोबाइल ऐप पर बुक करना होगा, ठीक है ना। वहीं देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया। 22 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बसें फ्री रहेगी। सरकारी और प्राइवेट बसों में भी कोई टिकट नहीं लगेगा। 15 साल तक के बच्चों को भी छूट मिलेगी, है ना। तो ये वाकई में हरियाणा सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, अगली खबर देखिए आप। महिंद्रा कंपनी ने खराब फ्लूइड पाइप बदलने के लिए 29,878 पिकअप वाहन वापस मंगाए हैं। अगर आपके भी घर परिवार में महिंद्रा का पिकअप वाहन है, तो आप अपने नजदीकी शोरूम वापस ले जा सकते हैं, अगर उसमें किसी तरह की कोई शंका आपको लग रही है तो, ठीक है ना। फ्री में आपको कंपनी प्रॉब्लम ठीक करके देगी। साथ ही खबर देखिए, रेलवे ने बदला तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनों का शेड्यूल। कई सारी ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया, तो ऐसे में आप भी अगर इंडियन रेलवे की यात्रा कर रहे हैं हाल ही में आजकल में, तो जरूर आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें ये कंप्लीट शेड्यूल, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें रेलवे ने कैंसिल भी कर दी हैं और बहुत सारों का टाइम टेबल चेंज भी कर दिया। हालांकि अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अच्छा, साथ ही आपको पता होगा दोस्तों कि उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को सरकार फ्री गैस कनेक्शन देने जा रही है। लेकिन इस बार उज्ज्वला की जो ये दूसरा चरण है ना योजना का, इसमें आपको एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी होगा, एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं होगा, और इस बार आपको चूल्हा भी फ्री मिलेगा। तो ये कुछ पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 में सरकार ने प्लानिंग रखी है। धुआं मुक्त भारत बनाने की इस योजना का मकसद है, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। 20 अगस्त तक अब उनको जेल में ही रहना होगा। कल तक उनकी लास्ट डेट थी, जमानत होनी थी लेकिन नहीं हुई, कैंसिल हो गई, और अब 20 अगस्त तक राज कुंद्रा जो कि शिल्पा शेट्टी के पति हैं, वो जेल में ही रहेंगे। अच्छा, वही खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बन रही फिल्म का पोस्टर जारी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इंडिया इन माई वेंस करके ये पोस्टर जारी किया गया। ये फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर बनाई जा रही है। जिस तरह से मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर भी एक मूवी बनी थी, आपको पता होगा क्या उसका नाम था, याद नहीं आ रहा, मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ आप कि मनमोहन सिंह की बायोग्राफी पर बनी फिल्म का नाम क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही फिलहाल अपना आगे बढ़े अगली बड़ी खबर में, देखिए आप कि जिस अस्पताल में हुआ था एटीएम आविष्कारक का जन्म, वहां पर लगाई गई पहली एटीएम मशीन। दरअसल मेघालय के जिस हॉस्पिटल में साल 1925 में एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसका पहले नाम था, उसके आविष्कारक जॉन एड्रियन सेफर्ड बेरन का जन्म हुआ था, वहां पहली बार एटीएम मशीन लगाई गई है अभी इस अस्पताल में। मतलब कितनी एक डिफरेंट मोमेंट की बात है। अच्छा, बाकी दोस्तों आपको एटीएम की सुविधाएं भविष्य में और भी बेहतर मिलेगी, क्योंकि भारत एटीएम नाम की जो कंपनी है, वो साल 2022 के अंत तक हमारे देश में 20 लाख नए एटीएम केंद्र लगाने की प्लानिंग कर रही है। यानी कि 20 लाख नए एटीएम इंस्टॉल किए जाएंगे इस कंपनी की तरफ से। तो आपको एटीएम की सुविधा
सुविधाएं और ज्यादा बेहतर मिलेगी, है ना। अच्छा वही देखिए, देश भर में स्कूल टीचर्स को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने की प्लानिंग कर रही है। कंपनियों के CSR फंड का इस्तेमाल होगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि लगभग हमारे देश में 1.5 करोड़ कुल टीचर हैं, शिक्षक हैं, जिनमें से आधे का लगभग तो टीकाकरण हो चुका है। लेकिन अब HHPI ने अमेजोन समेत 6 कंपनियों को CSR फंड के लिए अप्रोच किया, जिसमें से 3 ने तो हां भी भर ली है। और इसका मकसद यही है दोस्तों, कुल मिलाकर के हमारे देश में जो टीचर्स लोग हैं उनको सरकारी अस्पतालों में तो वैसे भी फ्री में कोरोना वैक्सीन लग रही है, लेकिन उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन फ्री में ही लगाई जाए ताकि जल्दी से उनका टीकाकरण निपट जाए। और अभी क्या है कि मतलब बच्चे वगैरह भी स्कूल जा रहे हैं क्योंकि कई राज्य सरकारें स्कूलें खोलने की प्लानिंग कर रही हैं, तो इससे वो भी सेफ रहे और एक मतलब सिस्टम सही रहे, इसके लिए प्लानिंग चल रही है, तो अच्छी बात है। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त तक 100 फुट की ऊंचाई पर 3 तिरंगे लगाएगा PWD। तो इस बार 15 अगस्त पर विशेष तैयारियां चल रही है। अच्छा अब बात करें अपन मौसम समाचार को लेकर। देखिए दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है कि भारत के 12 तटीय शहर डूबने का खतरा मंडरा रहा। धरती का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, ये बातें दूसरे वैज्ञानिक तो काफी समय से कह रहे थे, लेकिन अब नासा के वैज्ञानिकों ने भी ऑफिशियली कह दिया कि इस सदी के अंत तक जल प्रलय हो सकता है और भारत के मुंबई सहित 12 शहर पानी में डूब जाएंगे, 3 फुट पानी के अंदर चले जाएंगे, इतना पानी बर्फ के पहाड़ों से पिघल रहा है। इस सदी के अंत तक यानी कि 2100 तक हमारे भारत के 12 शहर डूबने का खतरा मंडरा रहा। कौन कौन से शहर तो आप देख सकते हैं, कंडला, ओखा, मुंबई, भावनगर, मोरमुगाव, मैंगलोर, कोची, चेन्नई, तूतीकोरन, विशाखापट्टनम, पारादीप और किड्रोपोर, देश के इन शहरों पर खतरा मंडरा रहा जल प्रलय का। तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास करें, जितना वातावरण हमारे अनुकूलित रहेगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा वैसे अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं संपूर्ण भारत का 11 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए, सिर्फ 2 दिनों में 1700 रुपए तक सोना सस्ता हुआ है और चांदी की कीमतों में तो 4000 रुपए तक की गिरावट आई है। देखिए उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, 46,056 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी सोने का रेट चल रहा है और चांदी की बात करें तो 63,162 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। हालांकि आज तो रेटों में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी काफी गिरावट सोने में 1-2 दिन से देखने को हमें मिली है। ओके, वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं दोस्तों। देखिए, पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब लुधियाना के 2 सरकारी स्कूलों में 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि बहुत ही एक चिंताजनक बात है क्योंकि राज्य सरकारें तो ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने पर जोर दे रही हैं और इधर स्कूलों में हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये कहां की एक अच्छी प्लानिंग है, है ना। इसीलिए सरकारों को जरूर कुछ सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए। वहीं देखिए, केरल राज्य को लेकर केंद्रीय टीम ने एक अनुमान लगाया कि 20 अगस्त तक केरल में कोविड के 4.5 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आ सकते हैं और कहीं ना कहीं केरल, महाराष्ट्र, पंजाब ये राज्य तो ऐसे हैं जो कोविड की तीसरी लहर के दौरान हॉटस्पॉट एरियाज बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए प्लीज। 10 राज्यों को लेकर विशेष चेतावनी मैंने आपको बताया भी था पहले भी DLS न्यूज चैनल पर। अच्छा देखिए, महाराष्ट्र में 17 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग नियम होंगे। नए नियमों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 8वीं तक और शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे 17 अगस्त से ही महाराष्ट्र में, है ना। वहीं खबर देखिए, हिमाचल कैबिनेट का निर्णय है, 22 अगस्त तक स्कूल को बंद रखा जाएगा। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय और ये वाकई में एक अच्छा निर्णय भी है दोस्तों, क्योंकि अभी कोरोना माहौल मतलब वापस बढ़ने की ओर लग रहा है, तो इसी बीच सरकारों को जरूर अलर्ट हो जाना चाहिए, राइट। वहीं देखिए, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च, गंगा जल से होगा अब कोरोना का इलाज। बैक्टीरियोफोज नामक बैक्टीरिया पर रिसर्च चल रहा है। गंगा नदी जिसका पानी इतना पवित्र है कि इसमें कोई भी घातक विषाणु टिक नहीं पाता और कोविड के इस दौर में भी रिसर्च के दौरान गंगा में कोविड के वायरस नहीं मिले हैं, जबकि दूसरे नदी नालों में कोरोना वायरस पाया गया है। और अब इसी को लेकर वैज्ञानिक जो है गंगा जल के पानी से कोरोना को रोकने के लिए एक मतलब एंटीबायोटिक तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 36,000 से ज्यादा नए कोविड मामले देखे गए, जबकि 468 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,80,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं और भारत में कुल मरने वालों की संख्या 4,29,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है ना। तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। वहीं
वहीं वायरस से संबंधित और एक खबर देखिए, महाराष्ट्र में जीका वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है। जीका वायरस जो कि मच्छरों से फैलता है, मैंने आपको बार बार अलर्ट भी किया इसके बारे में कि रात को सोते समय खास ध्यान रखें, आप अपने आप का भी अपने बच्चे बच्चों का भी, मच्छर नहीं काट लें कहीं उनको, क्योंकि जीका वायरस अब वापस बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र पुणे के 79 गांवों में जीका वायरस का खतरा बढ़ रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की अलग से टेस्टिंग होगी, क्योंकि जीका वायरस का मेन स्रोत मच्छर ही होता है और मच्छरों से बच कर रहें इसलिए। अच्छा, आइए अब अपन नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी इंपोर्टेंट खबरों पर। देखिए, झारखंड राज्य में 1,00,000 पदों पर नौकरियों को लेकर अच्छी खबर है। नियुक्ति नियमावली में संशोधन हो चुका है। राज्य में 24,000 से ज्यादा अभी टीचर्स के पद खाली हैं, जबकि गृह विभाग में लगभग 20,000 पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की 1,00,000 संबंधित भर्तियों का रास्ता अब साफ हो चुका है ना। और झारखंड को लेकर तो और एक देखिए, हाई कोर्ट ने अहम फैसला लिया है, चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। 6th JPSC को लेकर ये अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन का कहना है कि अब जल्द से जल्द मतलब चयनित अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाएगा, है ना। साथ ही खबर देखिए, UNSC में समुद्री सुरक्षा पर भारत की बातों को दुनिया ने माना है। जो पीएम मोदी ने एकजुटता की अपील की थी कल ही UNSC की अध्यक्षता करते दौरान, तो इस बात को दुनिया भर ने माना है, जो कि भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है, राइट। वही देखिए, राज्य चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया, डिफॉल्टर कैंडिडेट इस बार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। जी हां, राजस्थान के 6 जिलों में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने डिफॉल्टरों को चुनाव लड़ने से रोकने की प्लानिंग बनाई है इस बार। अच्छा, साथ ही देख सकते हैं, फेसबुक कंपनी एक नया फीचर आपको देने जा रही है, जिसका नाम होगा प्रेयर रिक्वेस्ट फीचर, और जिसमें ऑनलाइन पूजा से फेथ कम्युनिटीज को सपोर्ट मिलेगा। तो ये ऑनलाइन मतलब एक तरह से आध्यात्मिकता को बढ़ाने को लेकर फेसबुक कंपनी ने नया टूल जारी किया है ना। खेल समाचार को लेकर खबर देखिए, IPL 2021 से पहले बड़ी खबर आई है। अगले साल से 2 नई टीमें IPL में शुरू होने जा रही है। 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने की भी छूट मिलेगी और अगले सीजन से IPL में 10 टीमें होनी है, ठीक है ना। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी बात है। वहीं खबर देखिए, भारत में बनेंगे अब सेमीकंडक्टर चिप। टाटा ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की तैयारी कर रही है। मतलब ये कंप्यूटर वगैरह में जो सेमीकंडक्टर चिप लगते हैं ना, वो अब भारत में ही बनाए जाएंगे। टाटा कंपनी इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने जा रही है। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार ने ऐलान किया कि जो भी ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी रहे हैं ना, वो हिमाचल आए और मुफ्त में रहे, उनको 3 दिन तक HPTDC के किसी भी होटल में ठहरने की सुविधा बिल्कुल फ्री मिलेगी, है ना। वही देखिए, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर अब राजनीति बढ़ चुकी है। आपको पता होगा, हाल ही में मोदी सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर जो खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया, राइट। और उसके बाद अब कांग्रेस राजनीतिक बातें बढ़ाने लगी है। और इसी बीच देखिए, महाराष्ट्र सरकार अब वापस राजीव गांधी के नाम पर IT पुरस्कार देने जा रही है। तो ये मतलब पॉलिटिक्स में ले आए इन चीजों को भी, गजब है। वही खबर देखिए, बचपन का प्यार का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। ये बच्चा जो बचपन का प्यार गाना गाए थे, इनका गाना अब बहुत ज्यादा आपको बादशाह के साथ देखने को मिलेगा 11 अगस्त को, यानी कि आज ही इनका एल्बम रिलीज होने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपने ऐसी भी खबर देखी होगी दोस्तों कि बचपन का प्यार गाने वाले जो इस बच्चे का नाम सहदेव है, इसको MG कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि EV कार गिफ्ट की है 23,00,000 की। तो दरअसल MG कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने कोई भी EV कार तो गिफ्ट नहीं की है, हालांकि इसको कुछ उपहार दिया गया है। और वो उपहार है कि MG के शोरूम ने खुश होकर उन्हें 21,000 रुपए का चेक दिया है ना। लेकिन सहदेव को इस तरह की कोई कार वगैरह नहीं दी गई है। तस्वीरें फोटो जो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर लोग बाग अलग अलग तरह की बातें बना रहे हैं, ठीक है ना। वही देखिए, IAS टॉपर्स की प्रेम कहानी अब खत्म हो चुकी है। टीना डाबी और अतहर आमिर के तलाक को अदालत ने मंजूरी दे दी है। 2018 में इनकी शादी हुई थी और दोनों ही IAS के टॉपर्स की लिस्ट में रहे हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन पता नहीं क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स रही इनकी लाइफ में कि इन्होंने आखिरकार फाइनली तलाक के लिए अर्जी दे दी थी, और उस अर्जी को आखिरकार कोर्ट ने मंजूर दे दी है। अदालत ने इनके तलाक को मंजूरी दे दी है। अब ये दोनों कानूनी तरीके से अलग अलग हो चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो अलग अलग धर्म के होने की वजह से शायद इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन गई हो। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि शादी करने दौरान दूसरे धर्म का पार्टनर चुनने के बजाय अपने ही धर्म का पार्टनर चुनना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लाइफ में फिर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों, उनके पूजा पाठ के तरीके अलग हैं, हमारे पूजा पाठ के तरीके अलग हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मेरा मकसद ये नहीं दोस्तों कि एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच मैं कोई अलग एंगल से या गलत तरीके से आपको ये बात नहीं बता रहा हूं। कहने का मतलब जो चीज आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, कि अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम शादी करेगा तो उनके रीति रिवाज काफी अलग अलग होते हैं, और इसलिए जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ऐसी समस्या आ सकती है। इसलिए कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें सोच समझ कर लेना चाहिए, और कभी बड़े बुजुर्ग घर वालों की बातें भी मान लेनी चाहिए, ताकि हो सकता है कि ऐसे एग्जांपल देखने को ना मिले। क्योंकि दोनों ही IAS हैं, दोनों ही
वेल एजुकेटेड है और दोनों ही IAS मतलब कलेक्टर है, तो सोच लीजिए आप पैसों वगैरह की तो कमी नहीं है ना। फिर आखिर क्या रीजन बने? खैर इनकी पर्सनल लाइफ है, अब मैं ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर सकता। सीधा आगे बढ़े अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए, कुछ दिनों के लिए मणिपुर राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे गंगा प्रसाद, राष्ट्रपति भवन से इनका आदेश जारी हुआ था। अच्छा, साथ ही अपडेट देखिए, गुजरात बिहार सहित 7 ऐसे राज्य दोस्तों जो PM फसल बीमा योजना से अपना नाम हटा चुके हैं। संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा है कि 7 राज्यों ने मतलब PM फसल बीमा योजना से अपने आप को पीछे क्यों लिया? क्या कहीं PM फसल बीमा योजना में कोई बड़ी खामी है? क्या ये बीमा योजना अलोकप्रिय है? आखिर क्या रीजंस हैं? तो उनमें से कई राज्यों का ये भी कहना है कि राज्य सरकारों की आर्थिक बाधाएं और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इस योजना को वापस लेने के पीछे बड़ी वजह हो सकती है। अच्छा, साथ ही किसान भाई लोगों को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए, फसलों की सिंचाई के लिए गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 30 सितंबर तक पीने का पानी रिजर्व करके बचा हुआ पानी खेतों में भेजा जाएगा, है ना। साथ ही देखिए, मोदी सरकार अब नैनो यूरिया खाद का अमेरिका, यूरोप समेत कई बाहर के देशों को भी निर्यात करेगी, तो भारत को कमाई होगी, ये भी अच्छी पहल है। अच्छा, वहीं टोक्यो की किर्लोस्कर को लेकर एक नया वर्चुअल शोरूम फीचर लॉन्च किया और इसके मदद से आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं दोस्तों की पार्किंग में आपकी गाड़ी कैसे लगेगी, क्या डायमेंशन रहेगी, क्या कहीं ये फिट आ जाएगी या नहीं वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने मोबाइल पर ही AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से देख पाएंगे 3D मॉडलिंग के जरिए, ठीक है ना। ओके, तो इस अगले में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर मतलब उनकी बायोग्राफी, उनके कार्यकाल के नाम पर एक मूवी बनी थी, उसका नाम क्या है दोस्तों? जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।